नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जनपद के आउटर क्षेत्र स्थित सचिंडी थाने इलाके में मिनी बस व विक्रम में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई जबकि आधा दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की बात सामने आ रही है। मौके पर पहुंची पुलिस राहत कार्य करते हुए घायलों को हैलड अस्पताल भेजते हुए कार्रवाई में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक सचिंडी के किसान नगर क्षेत्र में नहर के पास तेज रफ्तार सवारियों से भरी प्राइवेट मिनी बस व विक्रम में भीषण टक्कर हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सवारियों में चीख पुकार मच गई और हाईवे पर जाम लग गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही सचिंडी थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्थानीय लोगों की मदद से क्षतिग्रस्त वाहन से घायल को बाहर निकालते हुए राहत कार्य शुरू किया। इस दौरान क्षतिग्रस्त वाहन से किसी घायलों को निकालने में पुलिस व ग्रामीणों के पसीने भी छूट गए। आनन फानन घायलों को एम्बुलेंस से हैलड अस्पताल पहुँचाने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि हादसे में 16 लोगों की मौत हुई है। खबर लिखे जाने तक डेढ़ दर्जन लोगों को हैलड अस्पताल इलाज के लिए लाए गए हैं। अस्पताल में प्राचार्य डॉक्टर आरवी कमल के साथ सीएमओ नेपाल सिंह मौके पर पहुंच गए हैं। हादसे की जानकारी पर आला अधिकारी ने संज्ञान लेते हुए घायलों का बेहतर इलाज किए जाने की बात कही है। वहीं पुलिस मृतक की शिनाखत में जुड़ गई है। वहीं मौके पर हैलड पहुंचे बिठोर विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने घायलों का हाल जाना और मृतक के परिजनों को सद्भावना दी और बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में हुए भीषण दुर्घटना का संज्ञान लिया है। उन्होंने मृतकों के प्रति शोक संवेदन प्रकट की है। उन्होंने जिला व पुलिस प्रशासन को घटना में राहत कार्य करने के साथ ही घायलों का बेहतर इलाज किए जाने के आदेश भी दिए हैं। वहीं मृतकों के उचित मुआवजा दिए जाने की बात भी कही है। इलाज जो हमारी मेडिकल टीम अच्छे से अच्छा कर पा रही है वो कर रही है। मृतकों की संख्या लगभग 17 पहुंच चुकी है। जैसी अभी मेरी बात हुई है, उच्च अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारी विधानसभा क्षेत्र में सचिंडी थाने के पास ब्रिटेनिया फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ मजदूरों को एक बस के द्वारा ठोकर उनकी गाड़ी में मारी गई है, जिससे वो बस भी पलटी है और वो पूरी विक्रम गाड़ी जो लोडर जिसमें लोग बैठे हुए थे, लगभग 17 मजदूरों की अब तक मौत हो चुकी है और भी बहुत गंभीर स्थिति में है। मेरी मुख्यमंत्री जी का भी मैंने संज्ञान में दे दिया है, बहुत जो भी इनके इलाज में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और बाकी मृतकों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मुआवजा दिलाया जाए इस पर विचार किया जाए। और ऑटो के बीच में भिड़ंत हुई है जिसमें 5 लोग यहाँ पर कानपुर हैलेट हॉस्पिटल का इलाज कर रहे हैं और ये बेहतर होने से यहाँ तक कराया जा रहा है। सर, बस कहाँ से कहाँ जा रही थी और जो लोडर में लोग सवार थे वो कौन लोग थे? देखिए, अभी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बस लखनऊ की दिशा से आ रही थी और दिल्ली की तरफ जा रही थी और सामने से जो एक ऑटो था उससे आमने सामने की टक्कर हुई है, जिसमें आईडी तिरछी करीब ये 16 व्यक्ति भारत समाचार की मौत हो गई। ठीक है।